इन केस आप नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री सर्च कर रहे हैं और आप उनके फंड्स की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक स्कॉलरशिप के हवाले से बताऊंगा जो कि है द यूट्रेक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप। ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंप्लीट फ़ी पे नहीं करना चाहते और कोई स्कॉलरशिप की हेल्प लेना चाहते हैं मज़ीद आगे पढ़ने के लिए, तो इस फंड से वो अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। द यूट्रेक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप इज़ अ प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय यूट्रेक यूनिवर्सिटी इन द नीदरलैंड। It is designed to support outstanding international students pursuing master's degree at the university. So basically, ये उन्होंने specially एक इस तरह का scholarship design किया है जो कि non-European students के लिए। जैसे कि अगर आप इसके eligibility criteria में देखें तो उन्होंने specifically mention किया the scholarship is open to non-EU students who have excellent academic record and are applying for master's degree program at Utrecht University. एक चीज़ और यहाँ पे clearly लिखी हुई है कि इसके selection criteria के अंदर कि coverage of the scholarships would be a high chance that के आपको यह scholarship आप win करें और यह 100% scholarship ना हो। It could have been the 25% or 50% of the tuition fee for the, लेकिन ये depend करता है बहुत सारे selection criteria के ऊपर। अच्छी बात इस scholarship की ये चीज़ है कि इन्होंने इसमें clearly लिखा हुआ है कि ये international students के लिए है और उन international students के लिए है जिनका ताल्लुक है, जिनका passport जो है वो EU से नहीं है। अगर basically इन सब से आपका passport नहीं है, it means कि ये open है और ऑल अदर नेशनलिटीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। और इसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको ट्यूशन फीस भी मिल सकती है, रेजिडेंस जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पे कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कुछ बातें लिखी हैं। कुछ जगह पे है कि इनकी जो मंथली है वो अप टू 1300 यूरोस पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली होता है। इसमें इंक्लूडिंग है आपका रेंट हो गया, इंक्लूडिंग है आपका स्टे हो गया और इंक्लूडिंग अदर थिंग्स। इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उसमें वैसे कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो बेसिकली ग्रेड्स हैं, यू मस्ट बिलोंग टू टॉप 10% ऑफ योर ग्रेजुएटिंग क्लास। सेकंडली इन्होंने कहा है कि आपके पास EU पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड, आपने बैचलर्स डिग्री ऑलरेडी की हुई हो। फोर्थ, आपको अप्लाई करना है बिफोर 1 सितंबर या उस इनटेक में जो कि 1 सितंबर से मास्टर्स कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक और लिंक मैं यहाँ पे अटैच करूँगा कि यहाँ पे जाके आपने पहले मास्टर्स प्रोग्राम को चेक करना है। चेक करके आपने ये देखने के ट्यूशन फ़ी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन स्कॉलरशिप के अंदर कवर्ड हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो मास्टर्स प्रोग्राम वहाँ पर नहीं ऐड तो फिर वो स्कॉलरशिप कवर्ड नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप अमाउंट के हवाले से जो उन्होंने बात लिखी हुई है वो थोड़ी सी इस तरह से लिखी हुई है कि स्कॉलरशिप अमाउंट डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल के स्कॉलरशिप कौन से विन किया, कि आपका 1 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है या 2 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है। थर्ड, फिर आप किस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं जहाँ पर आपको ओनली ट्यूशन फी अवार्ड की गई है, या आपको ट्यूशन फी प्लस द इनकम रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर लिंक टू रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडी एज डिटरमिन्ड बाय आईएनडी इनका डिपार्टमेंट जो कि इमिग्रेशन एंड नेशनलाइजेशन सर्विस है। और उसके बाद फिर इसमें यह देखा जाएगा स्कॉलरशिप कैन बी रिन्यूड फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ द 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा ये डिफरेंस है जो आपको बेसिकली देखना होगा स्कॉलरशिप अप्लाई करके कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और